Hello everyone, let's discuss top 3 news of the day. First one is State Bank of India raised $100 million in green bond. Sterlite Power in pact with 4 EPC players for green energy corridor project. Third one is GMR Airports International Partner Group ADP raised $2.75 billion in bonds. Let's discuss the first news. State Bank of India ने foreign market से $100 million USD green bond के जरिए पैसा उठाया है. तो State Bank जो आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, वो foreign market से private placement के जरिए से $100 million कलेक्ट किया है अपना ऑपरेशन के लिए और अपना रिक्वायरमेंट के लिए. तो एसबीआई ने बोला है कि ये जो 100 मिलियन है, ये उसका कमिटमेंट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. सो यहाँ पे पहले हम समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है जो कि हम लोग जो कंट्री का नेचुरल रिसोर्स यूज करते हैं और हम लोग जो कंट्री का कुछ भी काम करते हैं उसमें कंट्री का नेचुरल रिसोर्सेस खत्म नहीं होना चाहिए और खराब नहीं होना चाहिए. जैसे कि एग्जांपल में दूं, अगर आप लोग पावर जनरेशन करते हैं कोल फायर्ड प्लांट से, और जो प्लांट जो रहता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है कोल से, आप कोल से पावर जनरेट करते हैं मगर जो कोयला जो जलाते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड और जो डिफरेंट पार्टिकल्स, ये सब हमारा जाके एयर में मिलता है और ये हमारा पोल्यूशन बढ़ाता है. तो हमें ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करना है और हमारा कंट्री को ऐसा डेवलपमेंट करना है जो कि ये सब पोल्यूशन, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब ना होके हम लोग कैसे कंट्री को आगे लेके जाए, हम कंट्री को कैसे ग्रोथ की पाथ में लेके जाए, तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो इस चीज के लिए एसबीआई ने ये 100 मिलियन रेज किया है फॉरेन कंट्री से और फॉरेन मार्केट से. तो ये रेज करने के बाद जो उसका इंटरेस्ट रहेगा ये फ्लोटिंग रेट के हिसाब से रहेगा. फ्लोटिंग रेट्स कैसे उसका मतलब रेट कैसे रेट उसको जो रहेगा वो अपना लाइबर के हिसाब से, लाइबर जिसको बोलते हैं हम लोग लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको एक स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से माना जाता है, क्योंकि आप सबको सबको पता है कि लंदन जो है वो फाइनेंशियल हब माना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड. तो इसका जो लाइबर रेट है उसको एक स्टैंडर्ड और बेंचमार्क की तरह माना जाता है. तो हम लोग ये जो पैसा उठा रहे हैं फॉरेन मार्केट से, हमारा जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 3 month लाइबर का जो रेट है प्लस 80 बेसिस पॉइंट मींस 0.80 पैसा. तो उसके हिसाब से इसका इंटरेस्ट और जो कूपन रेट है, क्योंकि एक ये बॉन्ड है तो इसके ऊपर कूपन रेट दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से इसको पेमेंट किया जाएगा जो हम लोग 100 मिलियन मार्केट से कलेक्ट किए हैं, मतलब एसबीआई ने कलेक्ट किया है. These bonds will be issued through SBI's London branch. तो इसको कौन इशू किया है SBI का? SBI का जो London branch है, इंडिया का कोई branch नहीं है इसमें, London में जो branch है SBI का, ये इशू किया है क्योंकि हम लोग पैसा उठा रहे हैं से फॉरेन कंट्री से, हम लोग इंडिया से पैसा नहीं उठा रहे. तो London branch इसको इशू करेगा और ये कहाँ पे लिस्टेड होगा? लिस्टेड मतलब जो बॉन्ड जो हम लोग इशू करेंगे ये मार्केट है, मतलब इसका कहीं पे उसका इशू होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए. तो ये कहाँ पे लिस्टेड होगा? सिंगापुर एक्सचेंज में, SGX जिसको बोलते हैं. तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमें याद रखना है, SBI लंदन ब्रांच ने इसको इशू किया है और सिंगापुर एक्सचेंज में इसको लिस्टेड किया जाएगा. तो इसका जो बॉन्ड का प्राइसिंग है और जो कूपन रेट है वो कितना आएगा वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि तो बॉन्ड का जो कूपन रेट और जिसको हम लोग जो, क्योंकि बॉन्ड है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, जो उधारी जिसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज पे, तो इसको कितना हम लोग रिपे इंटरेस्ट देंगे?
2% अप्रोक्सीमेटली। वो कैसे आता है, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर के पॉइंट में कि 3 month लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट जो कि लाइबर है, जो कि आता है 1.102-1.15% प्लस 80 बेसिस पॉइंट, मतलब 80 पैसा। तो अगर इसको मिला जाए तो अप्रोक्सीमेटली हमें 2% देना पड़ेगा पर ईयर। टिल नाउ बैंक हैज रेस्ट $700 मिलियन थ्रू सच बॉन्ड्स। तो आज तक SBI ने इस तरह का ग्रीन बॉन्ड इशू करके $700 मिलियन रेज कर चुका है मार्केट से, और ये उसका थर्ड टाइम है। दो पहले दो टाइम वो ऑलरेडी रेज कर चुका है और इस बार अभी वो थर्ड टाइम के लिए $100 मिलियन रेज कर रहा है। तो ये 3 times उसका हो गया और टोटल अमाउंट उसका $700 मिलियन वो कलेक्ट किया है मार्केट से थ्रू ग्रीन बॉन्ड। तो उसका बेनिफिट क्या है ग्रीन बॉन्ड का, ये क्यों ऐसे तरह का क्यों नया बॉन्ड आया है, जो ग्रीन बॉन्ड क्यों बोलते हैं, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो इसका बेनिफिट ये है कि SBI हैव अडॉप्टेड द ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क विद एन ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, SBI बोल रहा है कि मैं अपना जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट किस लिए, कि वो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्री के लिए, एनवायरमेंट के लिए। तो ये बोल रहा है मैं कमिटमेंट करता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए देश का और हमारा इकोनॉमी का, तो उसके लिए ये इस तरह का बॉन्ड रेज कर रहा है मार्केट से, मतलब पैसा कलेक्ट कर रहा है बाय इशूइंग ग्रीन बॉन्ड। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारा एनवायरमेंट में क्रिएट करेगा। तो कैसे करेगा हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोग बताएं रिन्यूएबल एनर्जी है, पॉल्यूशन जो रोकता है, जैसे पॉल्यूशन रोकने के लिए हम लोग को क्लीन टेक्नोलॉजी चाहिए। क्लीन टेक्नोलॉजी मतलब जो टेक्नोलॉजी यूज करने से हमारा पावर प्लांट का जो एमिशन रहता है, वो चाहे वो हमारा जो कोयला जला जाता है उसका जो धुआं निकलता है, उसका जो पाउडर निकलता है, मतलब आज जिसको बोलते हैं, ये सब कैसे कम मिलेगा। तो उसके लिए मशीन, नया नया मशीन टेक्नोलॉजी आ रहा है तो उसको खरीदा जाएगा। तो उस तरह का प्रोजेक्ट में अगर पैसा लगाए, SBI ने पैसा देगा इन्वेस्ट करने के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि आप जानते हैं विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, एनर्जी एफिशिएंसी मतलब आजकल आपको पता होगा जैसे फ्रिज टीवी सब एनर्जी एफिशिएंट स्टार के हिसाब से आ रहा है, 5-star 4-star। तो जिसका जितना ज्यादा स्टार है वो उतना एनर्जी कंजप्शन कम करेगा। तो उस तरह का प्रोडक्ट में, उस तरह का कंपनी में ये इन्वेस्ट करने वाला है। तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल ट्रेंड ऑफ ग्रीन बॉन्ड, मतलब हम लोग ये डिस्कस है कि इंडिया के बारे में, SBI के बारे में, मगर हमें देखना चाहिए कि ये एक्चुअली थ्रू आउट द वर्ल्ड ये बॉन्ड कैसे काम कर रहा है, इसका डिमांड कैसा है। तो ग्रीन बॉन्ड्स हैव बीन पॉपुलर अमंग इंडियन एंड ग्लोबल इश्यूअर्स, मतलब इंडिया एज वेल एज अदर कंट्रीज में भी, अदर देश में भी इसका बहुत पॉपुलरिटी है। इसीलिए ये 50 countries में इस तरह का बॉन्ड इशू होता है। और ये बॉन्ड को इशू कौन करता है, गवर्नमेंट इशू करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स हुआ, ये सब इशू करते हैं। किसको, डिफरेंट में इन्वेस्टर रहते हैं जो कि इस बॉन्ड को खरीदते हैं और उसके बदले ये लोग बैंक को पैसा देते हैं, गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, और गवर्नमेंट और बैंक्स वो पैसा लेके डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में, डिफरेंट कंपनी में उसको इन्वेस्ट करते हैं। 50 countries में इसी तरह का इशू होता है, इंक्लूडिंग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक भी इस तरह का बॉन्ड भी इशू करता है। मल्टीलेटरल इसीलिए बोला जाता है कि ये एक देश का ये इंस्टीट्यूशन नहीं है, जैसे कि SBI में बोलूंगा ये इंडिया का है, और वर्ल्ड बैंक ये पूरा वर्ल्ड का है, सभी देश इसमें रिप्रेजेंटेटिव है, सभी लोग इसको मानते हैं, सभी लोग इससे पैसा लेते हैं, तो इसको मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। तो जो स्टैटिक्स है इसका ड्यूरिंग 2007 to 2018, तो टोटल जो ग्रीन बॉन्ड इशू हुआ है वो $521 बिलियन है, मतलब 521 बिलियन है। तो इंडिया इसमें कहाँ पे आता है, इंडिया यहाँ पे सेकंड में आता है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में, मतलब EME जिसको बोलते हैं, मतलब इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, उसमें ये सेकंड में आता है। तो इमर्जिंग मार्केट में जो कंट्रीज है उसमें से
इंडिया जो बॉन्ड इशू किया है मार्केट में वो सेकंड में है। ये किसका रिपोर्ट बताता है? ये सेंट्रल बैंक जो हमारा आरबीआई है उसका रिपोर्ट एक है, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन बैंकिंग इन इंडिया इन दिसंबर 2019। दिसंबर 19 के हिसाब से हम लोग मतलब इंडिया ने सेकंड पोजीशन में है इमर्जिंग मार्केट में। अभी डिस्कस करते हैं कि ग्रीन बॉन्ड क्या है। तो ग्रीन बॉन्ड ऐसा एक फंड है, सॉरी एक बॉन्ड है जो कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज ग्रीन बॉन्ड? तो ग्रीन बॉन्ड क्या चीज है, हम थोड़ा सा उसको और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ग्रीन बॉन्ड ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड इनकम मतलब हम बॉन्ड में आपको पता है कि इंटरेस्ट देना पड़ता है जिसको कूपन रेट बोलते हैं, तो ये फिक्स रहता है। यहाँ पे कैसे फिक्स हुआ है ये देखिए, पहला जो चीज है यहाँ पे एक फ्लोटिंग है, जैसे कि हम लोग का जो लाइबर रेट रहेगा 3 मंथ का लाइबर रेट रहेगा उतना प्लस 80 बेसिस पॉइंट। तो इस हिसाब से हमको पता चल रहा है और हम लोग उसको एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना इसका कूपन रेट रहेगा, मतलब इसका लोन का जो रिपेमेंट रेट रहेगा इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा। तो हमें ये पता चला और उसको ये जो मनी रेज किया जाता है वो क्लाइमेट और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो क्लाइमेट और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स से आपको एक्सप्लेन किया जो कि एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो एनर्जी आता है और हमारा सोलर प्लांट होता है, और पॉल्यूशन प्रिवेंशन, पॉल्यूशन जैसे हमारा कोल फायर प्लांट जो हमारा थर्मल पावर प्लांट रहता है जिसमें कोयला जलाया जाता है, तो ये सब पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तो ये जो वाटर पॉल्यूशन जैसे होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, तो ये सब को रोकने के लिए जो प्रोजेक्ट आता है और जो प्रोजेक्ट जैसे नया नया प्रोजेक्ट नया नया टेक्नोलॉजी आता है उनको पैसा दिया जाता है कि आप लोग ये पैसा लो इन्वेस्ट करो और सस्ट जो इकोनॉमी का पॉजिटिव ग्रोथ के लिए काम करो, तो उनको ये लोन दिया जाता है। सेकेंड न्यूज है स्टेरलाइट पावर इंपैक्ट विद 4 EPC प्लेयर्स फॉर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे देखिए मेन चीज है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट क्या मतलब क्या काम करता है और स्टेरलाइट पावर को जो ये जो प्रोजेक्ट मिला है उसमें क्या होगा, तो बेसिक डिस्कशन हमारा इस पॉइंट पे होगा। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट मैन्युफैक्चर एंड प्रोवाइड ईपीसी सॉल्यूशंस फॉर द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GEC, स्टेरलाइट पावर हैज पार्टनर विथ GE T&D इंडिया लिमिटेड, यूनिटेक पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड UPTL, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड TPL एंड एसोसिएट पावर स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड APSPL। तो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो GEC है उसमें स्टेरलाइट पावर को प्रोजेक्ट मिला है और उसने 4 कंपनी के साथ टाई अप किया है। एक है GE जो कि जनरल इलेक्ट्रिक है, और दूसरा है यूनिटेक पावर ट्रांसमिशन, टाटा एंड एसोसिएट पावर स्ट्रक्चर्स, ये सब के साथ वो मिलके एक ट्रांसमिशन लाइन बनाने वाला है। तो इससे ये जो अपना एनर्जी कॉरिडोर है ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहता है। तो ये प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट का जो ट्रांसमिशन लाइन बिछाया जाएगा वो होगा लाकाड़िया भोदोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड LVTPL प्रोजेक्ट, जो कि 343 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, लाकाड़िया सबस्टेशन टू भोदोदरा सबस्टेशन इन गुजरात। तो यहाँ पे GE रेस्पॉन्सिबल है डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। तो यहाँ पे देखिए एक मैं वर्ड यूज किया हूँ EPC, तो EPC का मतलब ये होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। EPC इज ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अरेंजमेंट यूज्ड इन सम इंडस्ट्रीज व्हेयर द EPC कॉन्ट्रैक्टर इज मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज फ्रॉम डिजाइनिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन टू कमीशनिंग एंड हैंडओवर ऑफ द प्रोजेक्ट टू द एंड यूजर और ओनर। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, EPC प्रोजेक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो क्या करता है कि पहले डिजाइन करता है, डिजाइन मतलब कैसे प्रोजेक्ट होगा, उसका कॉस्ट कितना आएगा, उसका लेआउट कैसे रहेगा, टेक्नोलॉजी क्या यूज होगा, वो सब डिजाइन करेगा। प्रोक्योरमेंट
जब वो डिजाइन करने के बाद प्रोक्योरमेंट मतलब जो मटेरियल वो प्रोक्योरमेंट करना है मतलब खरीदना है, उसको इंस्ट्रूमेंट क्या खरीदना है, इक्विपमेंट्स क्या सब खरीदना है, ये सब भी हैंडल करेगा। कंस्ट्रक्शन मतलब बनाएगा, पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा। उसके बाद कमीशनिंग मतलब पूरा काम खत्म होने के बाद वो टेस्ट करेगा, टेस्ट करेगा, कमीशन करेगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट रेडी हो गया आपके हिसाब से। तो ओनर को वो हैंड ओवर देगा। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जीसी इज ए ट्रांसमिशन नेटवर्क। तो यहाँ पे जीसी की जो बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, तो ये चीज, ये क्या चीज है, इसके अंदर ये स्टेलाइट पावर को क्यों प्रोजेक्ट मिला है। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि हमारा कनेक्ट करेगा नेटवर्क को, मतलब ट्रांसमिशन नेटवर्क को, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में। ये 8 स्टेट के बीच में ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हुआ है और ये इसको मिनिस्ट्री ने 2015 एंड 16 में सैंक्शन किया था। तो जो मिनिस्ट्री ने सैंक्शन किया 2015-16 को, 8 स्टेट है जो कि इंडिया का, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तमिलनाडु, ये 8 स्टेट के बीच में जो ट्रांसमिशन लाइन बिछाया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा सभी ये जो 8 स्टेट को। और जो रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा आता है विंड पावर आता है, सोलर आता है, तो ये सब जो एनर्जी रहेगा जो कि प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये जहाँ पे प्रोडक्शन होता है उसको ट्रांसमिट करना भी जरूरी है। कुछ स्टेट में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, कुछ स्टेट में ये कम प्रोडक्शन होता है। तो अभी के लिए ये 8 जो स्टेट को लेके प्रोजेक्ट बनाया गया है, ये 8 स्टेट के बीच में इंटरकनेक्टेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाया जाएगा। तो उसी हिसाब से ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ट्रांसमिशन किया जाएगा, इसीलिए उसको बोलते हैं जीसी ट्रांसमिशन नेटवर्क। इसके बारे में और थोड़ा डिस्कस करते हैं, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, इसका मेन पॉइंट क्या है, इसको क्यों बनाया गया है ये प्रोजेक्ट को, क्योंकि हमारा जो कंट्री का एक टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए और क्लीनर अल्टरनेटिव, जैसे क्लीनर एनर्जी अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल, फॉसिल मतलब जो पेट्रोल डीजल केरोसिन ये जो यूज होता है उसका अल्टरनेटिव जनरेट करने के लिए और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमारा एक टारगेट है 175 गीगावाट बाय 2022 प्रोड्यूस करना है इलेक्ट्रिक। और वो कहाँ से इलेक्ट्रिक आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी से। थर्ड न्यूज डिस्कस करते हैं आज का, जीएमआर एयरपोर्ट इंटरनेशनल पार्टनर ग्रुप एडीपी रेज $2.75 बिलियन इन बॉन्ड। जीएमआर एयरपोर्ट जो है वो रेज किया है इतना 2.5 बिलियन मार्केट से, क्योंकि एक एग्रीमेंट हुआ है जीएमआर ग्रुप एंड ग्रुप पी एडीपी इन ऑर्डर टू डाइवेस्ट 49% स्टेक इन जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है जीएएल, फॉर एन इक्विटी कंसिडरेशन ऑफ ₹10,780 करोड़। तो यहाँ पे जो हमारा एडीपी है, ग्रुप पी एडीपी है, जो कि जीएमआर के साथ मिलके ये शेयर परचेज एग्रीमेंट किया हुआ है फरवरी 2020 में, उसका एग्रीमेंट में 10,780 करोड़ का इक्विटी कंसिडरेशन, मतलब इक्विटी मतलब वो पैसा आने वाला है ये जो जीएमआर एयरपोर्ट इंटरनेशनल को, क्योंकि जीएमआर एयरपोर्ट इंटरनेशनल ने 49% स्टेक उसका जो है डाइवेस्ट करने वाला है, मतलब बेचने वाला रहेगा। तो आज के लिए ये 3 पॉइंट था, जो कि 3 टॉप न्यूज था आज के लिए, और इसके जरिए हम लोग आज डिस्कस किए ग्रीन बॉन्ड क्या होता है और उसका फायदा क्या है बैंकिंग सिस्टम को और कंट्री के लिए, और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्या था, और यहाँ पे जीएमआर एयरपोर्ट का जो बॉन्ड इशू था मार्केट में। थैंक यू फॉर योर टाइम टू वॉच माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।